आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज ब्यूरो, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हकीम फरशता। हम इस वक्त अभी कुपवारा में मौजूद है। सुबह से ही हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि आज जो है लास्ट डे ऑफ पोलिंग है। जगह जगह के विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं नॉर्थ कश्मीर के हवाले से, क्योंकि आज पोलिंग अगर कश्मीर की कंसिडर की जाए तो बांडीपोरा, बारामूला और कुपवारा में है। तो कुपवारा से यहाँ पर आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के नासिर असलम वानी के खिलाफ और पीडीपी के फयाज मीर के खिलाफ। तो मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और देखना है कि यहाँ पर कौन आखिर जीत हासिल करेगा। हम 10 साल से यही जूझ रहे हैं कि कोई भी डेवलपमेंट यहाँ नहीं हो रही है। जब से क्या बोलूं मैं, आप बीजेपी की सरकार आई है, हम बहुत तंग आ चुके हैं यहाँ। एक ही सरकार ने, एक ही लोग, एक ही पार्टी के लोग, सभी पार्टी के लोग यहाँ तंग आ चुके हैं। आप खुद भी देख सकते हैं, मैं आपको एक सैंपल एग्जांपल दूंगा मैम। 10-5 किलो चावल मिलते हैं एक गरीब को, हम भी गरीब में यार, सब गरीब। 5 किलो आप मुझे बताइए, मैं तो काउंटर किसी को नहीं करूंगा। मैं आप जिसने ये ऑर्डर निकाला, मैं उनको बोल रहा हूँ कि कोई 5 किलो चावल ले सकता है, जिसने भी ये ऑर्डर निकाला है 5 किलो चावल कोई भी खा सकता है एक महीने के लिए। आप ही से पूछते हैं मैम, आपसे ही पूछते हैं। हम पे बहुत सारी तंगियां लगाई गई है, आप सोच ही नहीं सकते। जैसे नदीम सर ने अभी बताया कि यहाँ क्या बोलते हैं इसको, पीएसए भी हटाया, बिल्कुल ये ग्राउंड का इशू है हमारे यहाँ, फॉर सपोर्ट्स का इशू है, बाकी सारे हेल्थ के इशू है हमारे। हम इतने तंग आ चुके हैं हेल्थ के इशू से। मैं अपना पर्सनल आपको बता दूं, मेरे घर में एक बच्चा था, उसकी मैं आपको यहाँ हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हस्पताल, वो अभी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी नहीं है, हमें 40-50 साल हो गए अभी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए, हमारे लीडरशिप बिल्कुल फेल है यहाँ पे। इसीलिए हम चाहते हैं कि ताकि यहाँ ऐसी लीडरशिप आए, एक मजबूत सरकार आए जो कश्मीर की बात को समझे। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस वक्त आप जम्मू में देखिए, सारे एकजुट हो चुके हैं। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि कश्मीर में भी एक एकजुट हो जाएं, ताकि ये आपस में हम ना बटें, एक मजबूत सरकार बनाएं, वो भी अपनी डेवलपमेंट करें, हम भी अपनी यहां डेवलपमेंट करें। 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, क्या राय आपकी उस बारे में? देखिए, ये तो जमहूरियत की जीत है, बिल आखिर यहाँ पे 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे लोग बड़े तंग आ चुके थे, क्योंकि लोगों के मसले मसाइल है, वो यहाँ के जो उनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वो समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे उनके यहाँ पे अहदेदारान या एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी थे, वो यहाँ पे सारे नॉन लोकल थे, तो वो समझ नहीं सकते थे यहाँ के लोगों के मसले मसाइल क्या है। तो ये तो जमहूरियत की जीत है। आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मलिक नदी। कहाँ से आप? मैं यहीं से हूँ, कुपवारा। आप मुझे बताइए, क्या कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज है यहाँ कुपवारा के, जो लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं यहाँ पे? पहली बात, हेल्थ सेक्टर यहाँ पे बहुत वीक है, एजुकेशन सिस्टम भी वीक है, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ऐसे बहुत सारे मसाइल है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ के लोग अपनी एक गवर्नमेंट चाहते हैं, अपने हुक्मरान चाहते हैं, ताकि वो इनकी बात समझ सके, वो आगे बात पहुँचा सके और डेवलपमेंट हो, और सारे मसाइल हमारे जो यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसलिए हम ये वोट कास्ट कर रहे हैं।